यूपीएससी 2015 का क्वेश्चन, 12 मार्क का क्वेश्चन है। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द सबस्पेस ऑफ R4 spanned by the set 1 0 0 0 0 1 0 0 1 2 0 1 and 0 0 0 1, and hence find its basis. तो यहाँ पर दोनों बातें dimensions, subspend and basis। तो आपको डेफिनेशन अच्छे से पता होना चाहिए कि डायमेंशन क्या होता है, स्पैन मतलब क्या है और बेसिस। ओके, ये तीनों क्वेश्चन को, तीनों चीज़ों को मैं डिस्क्राइब करता हूँ। पहले स्पैन क्या होता है, स्पैन मतलब अगर अल्फा बीटा दो वेक्टर है फ्रॉम ए वेक्टर स्पेस, ठीक है। अगर अल्फा बीटा दो वेक्टर है फ्रॉम ए वेक्टर स्पेस, देन सी एक कांस्टेंट सी अल्फा प्लस डी बीटा, दिस रिप्रेजेंट स्पैन ऑफ अल्फा बीटा। इन नोटेशन इसे हम एल अल्फा बीटा लिख सकते हैं, ठीक है, इन नोटेशन। तो सी डी क्या है, कोई भी स्केलर, कोई भी आर्बिटरी स्केलर। फॉर एन एग्जांपल, जैसे कि 1 0 एंड 0 1, तो 1 0 कहाँ का मेंबर है, आर स्क्वायर का। तो ईच है सबसेट ऑफ आर स्क्वायर, कि फर्स्ट वेक्टर जो है वो भी आर स्क्वायर का मेंबर है एंड सेकेंड वेक्टर भी आर स्क्वायर का मेंबर है। तो अगर इसे हम जेनरेट करेंगे तो सम कांस्टेंट 1 0, सम कांस्टेंट 0 1, तो इसे कहते हैं ऑल काइंड ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन विद दिस टू वेक्टर। ओके, तो सेट ऑफ ऑल काइंड ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन को हम स्पैनिंग सेट कहते हैं, ठीक है। ओके, तो इसे क्या लिखूंगा फिर, सी डी। फॉर ऑल सी डी कहाँ से है, सी डी कहाँ पर है, आर का मेंबर है। तो ये जो एलिमेंट है ये कहाँ पर है, एंड एक्चुअली दिस इक्वल्स टू क्या होता है, आर स्क्वायर, क्योंकि सी मतलब आर की मेंबर, डी भी आर की मेंबर। तो सी डी क्या होगा, पूरा जो ये जो दो वेक्टर होगा, ये दो वेक्टर पूरा आर स्क्वायर को जेनरेट करेगी। जेनरेटिंग मतलब कोई भी एलिमेंट उठाऊंगा आर स्क्वायर से, हम इन दो वेक्टर से उसे लिख सकते हैं आर स्क्वायर की कोई भी मेंबर को, ठीक है। जैसे कि 2 3 2 3 को लिख सकता हूँ 2 into 1 0 प्लस 3 into 0 1। तो कोई भी अगर वेक्टर को हम इस दो वेक्टर के रेस्पेक्ट में लिख सकेंगे, तो हम तब कहेंगे कि ये जो सेट है, ये सेट आर स्क्वायर को जेनरेट कर रहा है। एंड ये क्या है, ये लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस टू वेक्टर। तो ऑल लीनियर कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं स्पैनिंग सेट, ठीक है। तो स्पैनिंग सेट ऑफ अल्फा बीटा मतलब सी अल्फा प्लस डी बीटा, जहां पर सी डी कोई भी आर्बिट्रेरी स्केलर। नेक्स्ट बेसिस क्या होगा, बेसिस का जो डेफिनेशन है, बेसिस, लेट कैपिटल एस बी ए सेट ऑफ ए वेक्टर स्पेस
भी ओवर द फील्ड एफ नॉट सेट दिस इज सबसेट लेट कैपिटल एस बी ए सबसेट ऑफ ए वेक्टर स्पेस वी ओवर ए देन एस इज सेड टू बी बेसिस ऑफ भी इफ वन एल एस क्या होगा मतलब लीनियर स्पैन ऑफ एस मतलब ऑल लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द वेक्टर इन एस भी मतलब एस क्या होगा भी को जेनरेट करेगा ओके एंड सेकेंड एस इज लीनियरली इंडिपेंडेंट तो अगर S दो कंडीशन सेटिस्फाई करेगी तो S क्या होगा V का बेसिस होगा ओके तो ये बेसिस का डेफिनेशन है और डायमेंशन क्या होगा डायमेंशन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द बेसिस इज कॉल्ड डायमेंशन ओके तो अब जो प्रॉब्लम क्या है मेरा मुझे ये जो चार वेक्टर दिया है ठीक है इस सेट में इस सेट का डायमेंशन निकालना है और सेट क्या गिवेन है ये लीनियर स्पैन है ओके और एक चीज है कि अगर जैसे कि मैंने बात कर रहा हूँ लीनियर स्पैन की तो लीनियर स्पैन ऑफ अल्फा बीटा गामा इक्वल्स टू लीनियर स्पैन ऑफ अल्फा बीटा इफ गामा इज रिटेन एज सम कॉन्स्टेंट सी अल्फा एंड डी बीटा ठीक है मतलब अल्फा बीटा गामा अगर लीनियरली डिपेंडेंट है ठीक है तो किसी भी अगर तो इन दैट केस क्या कर सकता हूँ कि बीटा को मैं अल्फा गामा और गामा को अल्फा बीटा में लिख सकता हूँ तो इन दैट केस लीनियर स्पैन ऑफ अल्फा बीटा गामा इज सिंपली क्या हो जाएगा लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फा बीटा ठीक है तो फॉर एन एग्जांपल जैसे कि लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वन वन एंड टू टू देखो जो सेकेंड वेक्टर टू टू को मैं क्या लिख सकता हूँ सम टू इंटू वन वन तो ये क्या होगा फिर लीनियरली डिपेंडेंट तो लीनियरली डिपेंडेंट होगा तो मैं इसे क्या लिखूं सिंपली एल ऑफ वन वन ओके ठीक है तो इन ओके तो इसका हेल्प लेकर मैं इसका सॉल्यूशन बना रहा हूँ तो आपको दिया है कि 100 01 00 1201 एंड 0001 इसका डायमेंशंस एंड बेसिस ओके सो तो हम दोनों तरीका यूज कर सकते हैं तो मुझे एक्चुअली जो बेसिस जो वेक्टर्स सेट गिवेन है उसे लीनियरली इंडिपेंडेंट दिखाना है और बाय रो इचेलॉन फॉर्म जो वेक्टर है उसे मैट्रिक्स में लिखो 1 0 0 0 सेकेंड 0 1 0 0 थर्ड 1 2 0 1 and 4 0 0 0 1 ओके तो दिस इज सॉल्यूशन ओके तो इसका रो इचलन फॉर्म अगर और इचलन फॉर्म में इसे रिड्यूस करेंगे तो क्या होगा R3 - R1 क्योंकि मुझे इस 1 को 0 करना है सो 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0 1 ओके सो नाउ R3
माइनस टू आर टू, वन जीरो 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 वन जीरो 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 वन एंड जीरो 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 वन एंड लास्ट इसे आर थ्री माइनस आर फोर, सॉरी आर फोर माइनस आर थ्री, आर फोर माइनस आर थ्री, वन जीरो 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 वन जीरो 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 वन एंड जीरो 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 जीरो। तो देखो आप नंबर ऑफ लिनियरली इंडिपेंडेंट एंड नॉन जीरो रो कितना है, तीन है, ठीक है। तो यहाँ से भी हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि इसका डायमेंशन क्या होगा। ओके सो डायमेंशन ऑफ दिस सेट एस, यहां पर पहले एस को डिनोट करना है सॉल्यूशन में, लेट एस बी एस इक्वल्स टू सेट वन जीरो 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 वन जीरो जीरो एंड वन टू जीरो वन एंड जीरो 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 वन। सो डायमेंशन ऑफ दिस सेट एस इज एस इक्वल्स टू नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन इन द अबव इचेलॉन मैट्रिक्स। इचेलॉन मैट्रिक्स क्या होता है, इसका मैंने इसको अच्छे से समझाया है प्रीवियस लेक्चर में, तो उसे देख लेना। तो हुई चीज इक्वल्स टू क्या होगा, थ्री, ठीक है। तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रो कितना है, वन टू थ्री, लास्ट रो क्या है, जीरो रो। ओके तो ये मेरा डायमेंशन मिल गया मुझे। ओके एंड सेकेंड इसका बेसिस क्या होगा, ठीक है, बेसिस क्या होगा, फर्स्ट रो सेकेंड रो एंड थर्ड रो एंड बेसिस ऑफ एस इक्वल्स टू वन जीरो 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 वन जीरो जीरो एंड जीरो 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 वन, ठीक है। मतलब आपका जो जो थर्ड जो एलिमेंट गिवेन है, वेक्टर गिवेन है, ये एलिमिनेट होगा, बाकी तीन आ जाएगा। नाउ डिफरेंट, मैं थोड़ा इसे डिफरेंटली अगर सॉल्व करूं तो कैसे करना है, मुझे लीनियरली इंडिपेंडेंट दिखाना है, ठीक है। तो एस बी द सेट, एस को हमने लिखना है पहले चार वेक्टर। तो टू शो दैट एस इज लिनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट सी वन, तो एस का जो वेक्टर है मैंने अल्फा वन अल्फा टू अल्फा थ्री एंड अल्फा फोर चार वेक्टर नाम से डिनोट करूँ, सी वन अल्फा वन सी टू अल्फा टू प्लस सी थ्री अल्फा थ्री प्लस सी फोर अल्फा फोर इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ से मुझे एक्चुअली मिलेगा कि कोई भी एक सी वन और सी टू और सी थ्री सी फोर नॉन जीरो होगा, तो इन दैट केस एस क्या होगा, लीनियरली डिपेंडेंट। तो उसका मतलब मुझे एक वेक्टर वहाँ से मतलब हटाना है, अलग कर देना है, एलिमिनेट करना है। ओके
तो मुझे चार से तीन वेक्टर मिलेगा एंड तीनों वेक्टर इन दैट केस लीनियरली इंडिपेंडेंट बनेगा। और आप ऐसे भी कर सकते हो इसे कि जैसे कि आपका 1 2 0 1, देखो 1 2 0 1, देखो 1 इंटू फर्स्ट वेक्टर, 2 इंटू सेकेंड वेक्टर 0 1 0 0 एंड 1 इंटू थर्ड वेक्टर, देखो आपका 1 इंटू फोर्थ वेक्टर, तो आपका थर्ड वेक्टर मिल रहा है। इसका मतलब इस वेक्टर को हम लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अदर्स वेक्टर लिख पा रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा, मेरा सेट क्या होगा, लीनियरली डिपेंडेंट, तो इस वेक्टर को हटा देना है, ओके। तो आपका जो रिड्यूस्ड जो सेट होगा फिर क्या होगा, 1 0 0 से 0 1 0, मतलब इन तीनों से आपका रिड्यूस्ड सेट आ जाएगा, ओके। एंड 0 1 0 0 एंड 0 0 0 1, नाउ यू सी दैट दिस आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, ओके। सो दिस इज द बेसिस एंड डायमेंशन ऑफ दिस सेट क्या होगा, 3, ओके। तो आप डायरेक्टली भी इसे सॉल्व कर सकते हो क्योंकि आपको क्लियरली दिख रहा है कि आपका जो थर्ड वेक्टर है वो क्या है, लीनियरली डिपेंडेंट विद द हेल्प ऑफ अदर वेक्टर, ओके। तो इसे अगर हटा दूंगा तो बाकी जो तीन है वो इजीली आप देख सकते हो लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो इन दैट केस बेसिस बन जाएगा ये मेरा, और इसका डायमेंशन क्या होगा, नंबर ऑफ वेक्टर कितना है, 3, ओके। तो ये आपका बेस्ट प्रोसेस है बाय यूजिंग इचलन मैट्रिक्स, ठीक है, ओके। नेक्स्ट प्रॉब्लम, द वेक्टर्स v1 इक्वल्स टू 1 1 2 4, v2 इक्वल्स टू 2 -1 -5 2, v3 इक्वल्स टू 1 -1 -4 0 एंड v4 इक्वल्स टू 2 1 1 6, आर लीनियरली इंडिपेंडेंट ओके। द वेक्टर दिस v1 v2 v3 v4 आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो नेक्स्ट, इज इट ट्रू, तो ये मेरा एक्चुअली एक स्टेटमेंट है। तो मुझे एक्चुअली क्वेश्चन ये पूछा गया कि इज इट ट्रू दिस वेक्टर आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, जस्टिफाई योर आंसर। योर आंसर, ओके। सो हमें लीनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट चेक करना है। तो अगर हम किसी एक वेक्टर को दूसरे के रेस्पेक्ट में प्रेजेंट कर सकते हैं तो लीनियरली डिपेंडेंट कह देंगे डायरेक्टली। और क्या क्या मेथड है हमारे पास, हम रैंक देख सकते हैं इसका बाय यूजिंग इचलन फॉर्म, बाय रिड्यूस्ड इच इन इचलन फॉर्म, ओके। सो ठीक है, ओके। सो लेट ए बी द मैट्रिक्स व्हिच rows are
v1, v2, v3 एंड v4। देन देन ए विल बी देन ओके ठीक है। सो ए इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूं, ए इक्वल्स टू 1 1 2 4 2 -1 -5 2 1 -1 -4 0 एंड 2 1 1 6। नाउ रिड्यूस्ड इट इन इचेलन फॉर्म, एड इचेलन फॉर्म और इचेलन मैट्रिक्स। तो फर्स्ट तो क्या करना पड़ेगा, 1 के नीचे जितना भी एलिमेंट है उसे 0 करना है। तो R2 माइनस 2 ऑफ R1, 2 0 हो जाएगा। R3 माइनस R1, यहाँ पर 1 0 आ जाएगा। एंड R4 माइनस 2 R1। सो 1 1 2 4 0, एक होगा माइनस 3। नेक्स्ट इससे अगर सब्सट्रैक्ट होगा तो माइनस 9 एंड माइनस 6। थर्ड से क्या मिलेगा, ए ऑपरेशन लगा रहा हूँ, दिस इज माइनस 2 माइनस 6 एंड माइनस 4। लास्ट में 0 माइनस 1 माइनस 3 माइनस 2। नो मल्टीप्लाई माइनस 1 बाई 3। नो माइनस 1 बाई 3 R2, क्योंकि माइनस 3 को मैं 1 लेकर आना चाहता हूं, और 1 बाई 3 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो बाकी जो टर्म है वो भी क्या होगा, ए 3 होगा और ए 6 आएगा। सो दिस इक्वल्स टू 1 1 2 4 0 1 3 2 0 -2 -6 -4 0 1 3 2 -. सो नाउ R3 प्लस 2 R1 माइनस 2, ए टर्म 0 आ जाएगा। एंड लास्ट का R4 प्लस R2, ये R2 होगा, 2 R2। सो फाइनल आपका जो इचलन मैट्रिक्स आएगा 0 1 3 2 0 0 0 एंड 0 0 0 0। सो देखो रैंक ए जो आ रहा है वो लेस देन 4 आ रहा है। अगर रैंक ए लेस देन 4 है तो आपका जो गिवन जो वेक्टर है वो क्या होगा, लिनियरली डिपेंडेंट। सो नंबर ऑफ नॉन जीरो rows of the above echelon matrix of A is 2. So rank of A क्या होगा, 2, and which is less than 4, and so the given vectors v1, v2, v3, v4 are linearly dependent.
ओके, तो मतलब अगर एक का अगर रैंक 4 आएगा, ठीक है, तो इन दैट केस आपका जो वेक्टर्स है वो लिनियरली इंडिपेंडेंट. अगर 4 से कम आ रहा है तो क्या होगा, वो लिनियरली डिपेंडेंट. ठीक है, और एक प्रोसेस है, इसे भी आप ट्राई कर सकते हो कि C1 V1 प्लस C2 V2 प्लस C3 V3 प्लस C4 V4 इक्वल्स टू 0. ठीक है, तो आपको कोफिशिएंट कलेक्ट करना है बोथ साइड कंपेयर करके, और उसके बाद दिखाना है कि कोई ना कोई आपका देखना नॉन जीरो आएगा. कोई ना कोई नॉन जीरो अगर स्केलर आ रहा है तो क्या होगा, वो लीनियरली डिपेंडेंट होगा. ठीक है, और सारा स्केलर अगर जीरो है तो आपका जो सेट है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट. तो ये लीनियरली डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट का डेफिनेशन है, इसे हम बहुत तरीके से दिखा सकते हैं. ओके, तो आपके लिए जो बेस्ट रहेगा वो आप ऐसे ही दिखाना. नेक्स्ट प्रॉब्लम, यूपीएससी 2013 8 मार्क का क्वेश्चन है. सो दैट the vectors x1 1 1 plus i i, x2 i minus i and 1 minus i and x3 equals to 0 1 minus 2i and 2 minus i. In C3 are linearly independent over the field of real numbers, but are linearly dependent over the field of complex number. सो हम इस प्रॉब्लम को बाय डेफिनेशन सॉल्व करेंगे. इसे तीनों वेक्टर दिया है, उसे लीनियरली इंडिपेंडेंट आर में दिखाना है, रियल नंबर में, एंड लीनियरली डिपेंडेंट कहाँ दिखाना है, कॉम्प्लेक्स में दिखाना है. सो लेट सॉल्यूशन लेट A, B, C are three real number, three real numbers, that's it, such that AX1 plus BX2 plus CX3 equals to 0. ओके, तो अगर ABC कहाँ से है, रियल नंबर, मतलब मैं पहले लीनियरली इंडिपेंडेंट दिखाना है, तो आपको क्या दिखाना होगा, ABC तीनों क्या होगा, 0.
तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ लीनियरली डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट। तो किसी भी सेट ऑफ वेक्टर्स को और किसी भी सेट ऑफ एलिमेंट्स को हम लीनियरली इंडिपेंडेंट तभी कहेंगे जब हम उसे इस एक्सप्रेशन में लिखेंगे और सारा जो कॉन्स्टेंट है उसे अगर जीरो आप दिखा हुआ है तो क्या बनेगा, आपका जो सेट है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट। अगर किसी भी एक स्केलर नॉन जीरो आ रहा है तो आपका जो सेट है वो लीनियरली डिपेंडेंट। ओके, सो नाउ पुट द वैल्यू हियर, ए इंटू 1 प्लस आई एंड आई प्लस बी इंटू आई माइनस आई 1 माइनस आई एंड प्लस सी इंटू 0 1 माइनस 2i 2 माइनस आई दिस इक्वल्स टू 0। सो नाउ कंपेयर बोथ साइड एंड कलेक्ट द कोफिशिएंट। तो फर्स्ट टर्म के लिए अगर कलेक्ट करेंगे कोफिशिएंट तो होगा आपका a प्लस bi इक्वल्स टू 0। सेकेंड के लिए a इंटू 1 प्लस आई माइनस बी आई प्लस सी इंटू 1 माइनस 2i इक्वल्स टू 0 एंड थर्ड ए आई प्लस 1 माइनस आई इंटू बी प्लस 2 माइनस आई इंटू सी इक्वल्स टू 0। सो फ्रॉम फर्स्ट ए को मैं क्या पुट कर सकता हूँ, माइनस बी आई। ओके, सो पुट ए इक्वल्स टू माइनस बी आई इन सेकेंड इक्वेशन, तो माइनस बी आई इंटू 1 प्लस आई माइनस बी आई प्लस सी इंटू 1 माइनस 2i व्हिच इज इक्वल्स टू 0। b को अगर कॉमन रखोगे तो माइनस आई से प्रोडक्ट कर दो अंदर, तो माइनस आई स्क्वायर व्हिच इज प्लस 1 माइनस आई प्लस सी इंटू 1 माइनस 2i इक्वल्स टू 0 एंड व्हिच इम्प्लाइज दैट b इंटू 1 माइनस 2i प्लस सी इंटू 1 माइनस 2i इक्वल्स टू 0 एंड व्हिच इम्प्लाइज दैट b इक्वल्स टू माइनस सी। ठीक है, 1 माइनस 2i कॉमन आ जाएगा एंड वहां से आपको मिलेगा b इक्वल्स टू माइनस सी। ओके, सो नाउ फ्रॉम थर्ड इक्वेशन, तो b इक्वल्स टू माइनस सी आई मतलब a क्या होगा यहां से अगर, सो फ्रॉम दिस a इक्वल्स टू क्या होगा इन c, c में सारे को ले जाना है माइनस बी आई एंड b क्या है माइनस सी, तो व्हिच मीन्स a इक्वल्स टू सी आई। सो फ्रॉम दिस a इक्वल्स टू सी आई इंटू आई प्लस 1 माइनस आई इंटू माइनस सी प्लस 2 माइनस आई इंटू सी व्हिच इज इक्वल्स टू 0 एंड व्हिच इम्प्लाइज दैट c को अगर कॉमन रखोगे तो आपको फर्स्ट से मिलेगा माइनस 1, सेकेंड से मिलेगा माइनस 1 प्लस आई, थर्ड से मिलेगा प्लस 2 माइनस आई व्हिच इज इक्वल्स टू 0। माइनस 1 प्लस 2 कैंसिल आउट, आई कैंसिल आउट। ओके, ओके, सो नाउ, सो यहां पर क्या मिल रहा है आपको, 0 इक्वल्स टू 0। ओके, सो नाउ चेक के मैंने दोनों के लिए यहां पर चेक कर लेंगे। ओके, सो फर्स्ट अगर एबीसी रियल है एंड अगर ए नॉन जीरो है
तो बी क्या होगा, तो ए क्या होगा, ए क्या होगा, ए अगर नॉन जीरो है, इफ बी इज नॉन जीरो, इफ बी इज नॉन जीरो देन नॉन जीरो रियल देन ए इज कॉम्प्लेक्स नंबर। बट हमने ए को क्या लिया था, हमने ए को रियल लिया था, यहां से ए को हमने रियल नंबर लिया था, तो क्या होगा फिर, बी मस्ट बी जीरो बट ए इज रियल, सो बी मस्ट बी जीरो, दैट्स मीन सो ए इक्वल्स टू जीरो। तो ए जीरो बी जीरो, आपको कोई भी सेकेंड इक्वेशन से आपको सी इक्वल्स टू जीरो मिल जाएगा। देन फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन ए की जगह जीरो, बी की जगह जीरो रखोगे तो सी क्या होगा, वो भी जीरो मिलेगा। सो अगर ए बी सी रियल नंबर है, इफ ए बी सी आर रियल देन ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी इक्वल्स टू जीरो। सो जो आपका सेट है एक्स वन एक्स टू एंड एक्स थ्री इज लीनियरली इंडिपेंडेंट ऑन आर, आर क्या है, रियल नंबर में। नाउ आपका जो सेकेंड केस है के सो दैट बट लीनियरली डिपेंडेंट ओवर द फील्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो इन दैट केस बी को अगर ओके तो इन दैट केस अब देखो, अब ए बी सी का कोई भी वैल्यू हो सकता है। सो यहाँ से आपको जो मिलेगा कि जीरो इक्वल्स टू जीरो, इसका मतलब क्या है, आप सी का वैल्यू कुछ भी रख सकते हो जीरो, ठीक है, अगर ए वैल्यू जीरो है आपका अंदर तो सी का वैल्यू वन रखो, टू रखो, थ्री रखो, कोई भी वैल्यू रख सकते हो, तो क्या होगा, जीरो मिलेगा आपको, जीरो इक्वल्स टू जीरो। सो तो आपको एलिस सी क्या होगा, नॉन जीरो मिल रहा है। अगर सी नॉन जीरो है तो क्या है, आपका जो बी है वो भी नॉन जीरो होगा एंड ए भी नॉन जीरो होगा। सो इन दैट केस, सो हेंस एनी वैल्यू ऑफ सी इज, एनी वैल्यू ऑफ सी ए बी सी ओके एनी वैल्यू ऑफ सी वी हैव ए बी सी आर नॉन जीरो। सो एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री इज लीनियरली डिपेंडेंट ओवर सी। तो सेकेंड जो केस होगा, सेकेंड केस में ए बी सी को हम क्या लेना है, कॉम्प्लेक्स नंबर, ओके रियल नंबर की जगह कॉम्प्लेक्स नंबर। एंड और भी एक काम कर सकते हो आप, ए बी सी को थ्री स्केलर ले लो, यहाँ पर ए बी सी आर थ्री स्केलर, ओके। सो इन दैट केस यहाँ से आपका फर्स्ट केस मिल जाएगा, इफ ए बी सी आर रियल देन, आपका फर्स्ट कंडीशन से आपको यहाँ पर मिल जाएगा, इफ बी इज नॉन जीरो रियल देन ए इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर एंड व्हिच इज नॉट पॉसिबल, सो बी को जीरो होना पड़ेगा, ए को जीरो होना पड़ेगा एंड द रेस्ट जैसे कहा गया। एंड सेकेंड केस, इफ ए बी सी आर कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, तो आफ्टर दिस रिलेशन, रिलेशन वन
रिलेशन टू एंड रिलेशन थ्री. एक केस लेना व्हेन ए बी सी आर रियल नंबर. ओके, व्हेन ए बी सी आर रियल नंबर, दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन. फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन इफ बी इज नॉन जीरो देन ए विल बी ए कॉम्प्लेक्स नंबर एंड व्हिच इज नॉट करेक्ट. ओके, सो ए बी शुड बी जीरो एंड सो हेंस सी इक्वल्स टू जीरो. एंड सेकेंड केस, इफ ए बी सी आर कॉम्प्लेक्स नंबर देन फॉर एनी वैल्यू ऑफ सी वी हैव क्या जीरो इक्वल्स टू जीरो. ओके, तो जब कॉम्प्लेक्स नंबर होगा तब इस जो क्वेश्चन है इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा. बी रियल हो सकता है, कॉम्प्लेक्स हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ओके,